आज मैं आपको ब्लैक विडो की ओरिजिन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। और ओरिजिन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये एक फिक्शनल कॉमिक बुक कैरेक्टर है, तो इसके कई सारे मल्टीवर्स के ओरिजिन और स्टोरी लाइंस भी हैं। मगर मैं आपको सबसे बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ब्लैक विडो यानी नताशा रोमानोव सबसे पहले टेल्स ऑफ सस्पेंस में नजर आई थी आयरन मैन के साथ, और ये बात हमने आयरन मैन मूवी में भी देखने को मिली है। Yes, no. That will be all, Miss Rushman. Thank you very much. I want one. No. टेल्स ऑफ सस्पेंस में अपने छोटे से डेब्यू रोल करने के बाद हम इस देवी को एवेंजर्स कॉमिक और अमेजिंग स्पाइडरमैन कॉमिक सीरीज में पूरी तरीके से लीड रोल में देख सकते हैं। इनका जन्म रशिया में हुआ था, मगर एज एन ऑर्फन यानी एक अनाथ के तौर पे, क्योंकि रशिया के नाजी सोल्जर्स ने इनके फैमिली के घर इनके बचपन में ही जला दिए थे। लेकिन एक सोल्जर ने नताशा को गोद ले लिया और उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस के बड़ा किया। नताशा अपनी पढ़ाई में ए लेवल की स्टूडेंट होने के साथ साथ एक जबरदस्त एथलीट भी थी, और जब ये बात सोवियत यूनियन को पता चली तब उसे एक तरह की सुपर स्पेशल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी KGB में भर्ती कर दिया गया एक स्पेशल एजेंट बनाने के लिए। समय के साथ साथ नताशा अपने KGB में भी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स गेन कर रही थी, और इसी स्पेशल परफॉर्मेंस के कारण उसे ब्लैक विडो के नाम से भी जाना जाने लगा। नताशा को अपने पहले मिशन पर प्रोफेसर एंटन वैंको को मारने के ऑर्डर्स मिले थे, क्योंकि प्रोफेसर साहब ने टोनी स्टार्क की कंपनी यानी स्टार्क इंडस्ट्रीज को हानि यानी क्षति पहुंचाने की कोशिश की थी। प्रोफेसर को मारने के लिए स्टार्क इंडस्ट्रीज के इम्प्लॉयज ने नताशा को हाईटेक गैजेट्स और प्रोफेशनल क्लोथ दिए, जिससे उसे प्रोफेसर को मारने में आसानी हो। और जैसे कि ब्लैक विडो रशिया से बिलोंग करती है, तो ये श्योर बात है कि वो डबल साइडेड गेम खेल रही थी। और जब आयरन मैन को इस बात की भनक लगी तो उन दोनों के बीच कई बार बहुत ही गंभीर फाइट्स भी हुई, और ऐसे ही एक फाइट में नताशा बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी, तब हॉकाई ने उसे आयरन मैन से बचाया। इन सब के बाद नताशा के अंदर हॉकाई के लिए भी कुछ रोमांटिक फीलिंग्स जाग उठी, और आप सोच रहे होंगे मूवी में नताशा को हल्क पसंद था मगर यहाँ हॉकाई कैसे? जनाब, उसे कैप्टन अमेरिका 2 में कैप्टन भी पसंद था, तो अब क्या कर सकते हैं जब उसके क्रिएटर्स ही ठरकी हैं। खैर, जब रशियंस को लगने लगा कि नताशा के गद्दार होने से पहले उसका ब्रेन वॉश करके फिर से उसे अपने लायक बनाया जाए, रशियंस अपने काम में कामयाब होने के बाद नताशा को एवेंजर्स के अगेंस्ट करके उसे डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन कैप्टन अमेरिका 2 में जैसे बकी का ब्रेन वॉश कर दिया गया था, ठीक उसी तरह ब्लैक विडो का ब्रेन वॉश करने के बाद उसके अंदर भी कुछ सवाल थे, और सच्चाई जानने के बाद वे एवेंजर्स टीम में एक परमानेंट ऑनेस्ट मेंबर की तरह अपने आप को प्रूव करके एवेंजर्स की 16th मेंबर भी बनी। लेकिन जब निक फ्यूरी चाहते थे कि नताशा उनके कुछ मेंबर्स पे जासूसी करे लेकिन एक शील्ड एजेंट की तरफ से, तब उसने अपनी मेंबरशिप छोड़ दी और हॉकाई से भी अपनी लव स्टोरी से ब्रेकअप कर लिया। चल भाई, मेंबरशिप छोड़ी तो छोड़ी, लेकिन ब्रेकअप? खैर, बैड लक। नताशा ने एवेंजर्स को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा था। समय समय पर नताशा को एवेंजर्स को नताशा की जरूरत पड़ती रहती थी। एक तरीके से कह सकते हैं नताशा एवेंजर्स की एक सब्स्टिट्यूट मेंबर है। बाकी सुपर हीरोज की तरह नताशा ने भी अपना ब्लैक सूट खुद ही डिजाइन किया है और कुछ एडवांसमेंट्स भी किए हैं, जैसे ब्लैक विडो के ब्रेसलेट्स जो ओपोनेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, और ऐसे ही और भी गैजेट्स हैं, सो ऑन सो मेनी थिंग्स। अगर नताशा के नजरिए से देखा जाए तो वो किसी की भी मोहताज नहीं है। उसने शील्ड के लिए भी काम किया है और एवेंजर्स के लिए भी। ब्लैक विडो ने अपने लाइफ कैरियर में दोनों अच्छे और बुरे लोगों के साथ मार्वल यूनिवर्स में काम किया है। तो आपका क्या कहना है, आप नताशा को किस नजर से देखते हैं? ओनली ऑनेस्ट कमेंट्स।